नमस्ते, मेरा नाम है दक्ष त्यागी और आप देख रहे हैं ऋतिकास लाइव। और आप सिस्टम सिस्टम करोगे करोगे सिस्टम कहना क्या चाहते हो? तो चलो आगे चलते हैं। मेरी आज पीटीएम है, ठीक है, 9th की पीटीएम है। मैं पहली बार जा रहा हूँ पीटीएम में। 3-4 पीटीएम है, 2 पीटीएम होगी, दोनों पीटीएम में नहीं गए। आज फर्स्ट टाइम वाली पीटीएम में जाएंगे। और आज एक स्पेशल दिन भी, आज 12 तारीख है और रितुजी का बर्थडे भी आज यहाँ पे बैठी हुई है। प्लान हमारा कुछ है नहीं अभी तक जाने का, केक वेक कटेगा पता नहीं। सो गाइज, अभी हम निकल चुके हैं मेरी पीटीएम के लिए और मेरी पीटीएम अभी 9 बजे तक होएगी और अभी 8:51 हो गया, थोड़े लेट हो गए। ठीक है, क्या कर रहे हैं तू, मजाक है क्या? और हमारा पता क्या प्लान है, रिचिदी ने थोड़ा वो हो गई थी, कल नाराज हो गई थी। तो हमने क्या प्लान करा था, उन्हें लग रहा था कि हम वृंदावन जाएंगे, पर वृंदावन का प्लान कैंसिल हो गया था। तो हमने सोचा था, जब वो सो रही थी ना रात को, तो मैंने मान दी थी और मम्मी ने सोचा था कि हम मूवी देखने जाएंगे। तो आज 2 बजे हमारी मूवी है ओपेनहाइमर की, ठीक है, ओपेनहाइमर देखने जाएंगे आज हम 2 बजे। और रितिदी को नहीं पता, हम रितिदी को ये नहीं पता ब्लॉग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि प्लान तो कुछ है नहीं, पर हम बना रहे हैं, रितिदी को कुछ भी नहीं पता। तो आराम से जाएंगे अपने पीटीएम देने के बाद, रितिदी भी रेडी होंगी, मानदी भी रेडी होंगी और डैडी मेरे को पीटीएम लेके जा रहे हैं। हेलो गाइस, मैं तो आपसे मिल रही हूँ, दक्ष जा चुका है कॉलेज, मेरा कॉलेज के चल रहा है, उसका कॉलेज कहने की स्कूल चला गया है वो, उसकी पीटीएम है ना आज। तो ये देखो, मैं यहाँ पे आई थी आपको गाय से मिलवाने, पर गाय बाहर बांध दी गई है अभी। ये अकेला रह रहा है यहाँ, एक ऐसे बेचारा सो के बैठा हुआ है। अरे कौन आई है, अरे एक और आई, देखो कैसे घास में बैठ जा, पक्के में यहाँ बैठा हुआ है बुरी। ये देखो दूर से पूछ लाती रहती है, पास ही नहीं आते। मुझे पता आज क्या है, विश कर रही है मेरे को। थैंक यू। खड़ा तो गाइज, हम कुछ दिनों पहले शॉपिंग करके आए थे, उससे पहले दीदी ने ना ऑनलाइन मेरे कुछ सामान मंगवा दिया था। जब मेरे कॉलेज खुल रहे ना, मुझे नए कपड़े चाहिए, तो और मेरे बर्थडे वाले महीने में एक दो दिन बाद ही कॉलेज खुल रहे हैं, मतलब आज 12 है तो 16 को कॉलेज खुल रहे हैं, ओरिएंटेशन डे है 16 को। तो कुछ सामान ऑनलाइन मंगवा लिया था, फिर ऑफलाइन भी लेने गए थे, तो वो मैं आपको बाद में एक सेपरेट शॉर्ट्स बना के उसमें दिखाऊंगी कि कैसे पूरा लुक बन रहा है मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में। और कल मेरा बैग भी आ चुका है, ऑर्डर करा था बैग, तो मेरा बैग भी आ चुका है कॉलेज के लिए। यहाँ सफाई कर रही है, मानदी का फेवरेट काम है डस्टिंग करना, सुबह उठ से लग जाती है, आँख खुले नहीं डस्टिंग करेंगी। अच्छा, ये सफाई किसने करी है, बताओ। ये पूरा 1, 2, 3 ये पूरा खराब हुआ पड़ा था यहाँ, ये सब मैंने साफ करा। तो गाइस, अभी मैं थोड़ी देर लौट गया था, ठीक है, तो अभी ऐसा सीन है कि रितिदी को बताना है कि हम जा रहे हैं। पता नहीं क्या स्टाइल था मानदी, क्योंकि ऐसे करना है कि पहले तो बोला था कि पहले आइडिया में लेके जाएंगे फिर बोलेंगे, अब बोल रहे हैं कि सीधा वहीं पे जाएंगे, तो चलो फिर बता ही देते हैं रितिदी को। बर्थडे है ना, तो हमने सरप्राइज रखा है। क्या? गेस व्हाट आइडिया जा रही है अभी, कब बनाया, रात को बनाया था, आइडिया घूमने जाएंगे और आइडिया में घूमने के बाद एक और चीज है वो आइडिया में पता चलेगा। हम निकल चुके हैं, हम बाहर, और मुझे बता नहीं रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस मुझे ये बता रखा है कि बस खाना खाने इतना बता दिया ना, वही बहुत है। अरे दोनों भाई भी निकल चुके, बाय पापा, ओके दादा, शाम ओके बाय। ओ भाई धूप, इतनी धूप में तुम मुझे लेके आए हो। पहली बार मैं अपने दोस्तों के साथ और दक्ष के साथ थी, इस बार दीदी को भी हमने ले लिया, सेम मॉल सेम डेस्टिनेशन। अब घूमो, इनको लगता है कि मुझे पता नहीं है, अब हम लास्ट फ्लोर पे पहुंचने वाले हैं और लास्ट फ्लोर पे कुछ भी नहीं है सिर्फ थिएटर के अलावा। सो वी आर गोना वॉच मूवी, सो मुझे पता लग चुका है हम मूवी देखने जा रहे हैं, और मुझे पता है कि हम वो बकवास, चलो क्या ही बताऊँ, छोड़ो मुझे वो मूवी पसंद नहीं है, उसके रिव्यू तो पता नहीं, बट उसके ट्रेलर और उसकी वजह से, बट चलो देखने जा रहे हैं हम। इतनी
अबू इतनी बुरी तरह मुंह बना के बैठा हुआ है, जैसे कि इसके साथ क्या गुनाह कर दिया है। मैंने इसको कुछ खाने को चाहिए था, मैंने दीदी से पैसे छीन के इसको दिए कि भाई ले ले जाके ले ले खा ले। अब फिर पता नहीं क्यों इतना मुंह बना के बैठा हुआ है। और हाँ, इससे पता है हमारा इंटरवल के बाद मूवी टाइम बस्ट कर दिया, पता है क्यों? क्योंकि भाई चीज़ क्या बोलते हैं पॉपकॉर्न हमें चाहिए थे, बट इसने बोला कि जो ऑप्शंस थे वो बहुत ही क्लोज थे, तो इसने कैरेमल पॉपकॉर्न दबा दी। मीठे पॉपकॉर्न कौन खाता है? और पता है मेरे उबकाई आ रही थी खाते खाते। अब मम्मी भी आ रही है, तुम क्या करेंगे? हाँ तो अब बता दिया, मतलब तुम रात तक सरप्राइज ही रखने चाहते हो हर चीज मुझसे। फिर आगे क्या करेंगे? अभी देखो आगे क्या करेंगे। पता नहीं है, हर चीज में यूं ही बोलती रहती है। अब आइडिया से बाहर निकलना है, अब यहाँ और नहीं रहना, जाओ यहाँ से। अच्छा था प्लान, पूरा अच्छा था, मूवी भी अच्छी थी। मतलब जितना रिव्यू घटिया सुने थे वैसे घटिया मूवी नहीं थी, अच्छी मूवी थी, समझ में तो पूरी आ गई है। और हाँ, मैं ह्यूमैनिटीज में, तो मैंने पॉल साइंस में पढ़ रखा है, तो उसके अंदर आया था जो पॉलिटिकल सिस्टम जब चल रहा था, तो मुझे पता है कि क्या था। कुछ भी। तो यार मेरा ह्यूमैनिटीज भी काम आ गया, मेरा फिजिक्स भी काम आ गया। ये भी फिजिक्स वाला बच्चा है, इसको भी पता लग गया होगा क्या चल रहा है उसके अंदर। कहाँ गाइस, अब मम्मी पापा बोल रहे हैं कि वो आ चुके हैं फाइनली, तो अब हम निकल रहे हैं। दिख तो नहीं रहे, आ गए या क्या है? आ गए सब, हम पहले ही बाहर निकल चुके हैं कि अभी वो आ जाएंगे ना, तो ज़्यादा बुलाना नहीं पड़ेगा अंदर निकल के। तो भाई यार, आज से सरप्राइज के ऊपर सरप्राइज मिल रहा है। सुबह मुझे इन्होंने बताया, मतलब कल हमने प्लान बनाया था कहीं जाने का, बट वो कैंसिल हो गया, तो मुझे लगा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो मैं ऐसी कैजुअली पड़ी हुई थी अपने बेड पे, और फिर इन्होंने मुझे बताया ये। अब इन्होंने मुझे बताया कि मम्मी पापा के साथ भी हम कहीं जा रहे हैं। कहीं नहीं जा रहे, खाना खाने जा रहे हैं। हाँ तो खाने खाने भी यार एक चीज़ होती है यार, बच्चों की एक साथ रहेगी ना। मतलब कॉलेज खुलने वाला है, मुझे तो आज घूमते घूमते ज़्यादा उसकी और एक्साइटमेंट हो रही है। मतलब कॉलेज खुलने से पहले एक बार ट्रिप ले ले, क्योंकि फिर तो काम मिलता रहेगा ना। कह रही है चलती चलती गाड़ी बैठो, चलो भाई रोकने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बैठ जाओ। ओहो हेलो अंश, ओ अंश पार्टी जिंदाबाद, थैंक यू, थैंक यू। मानी आपके पास और भाई अंश लगा लिया हो गया। नहीं बैठ रहा, वो गाड़ी भर गई, मैं बिच गई, मैं बिच गई। गाइस फेवरेट प्लेस पे आ चुके हैं, हमारा फेवरेट प्लेस है, फैमिली फेवरेट प्लेस है, नवेदम आ चुके हैं। बहुत अच्छा साउथ इंडियन खाना मिलता है यहाँ पे, देखो आगे बहुत लग गए यार। इनको नहीं पता यहाँ पे कोई यूट्यूबर भी रहता है, वो वीडियो बनाएगा और भी फोटो भी खींचेगा। हम थोड़ा ज्यादा दूर हो गए। थैंक यू भाई, ठूसन मार रहे, ठूस नहीं, हम भी ठूस लेते हैं। चल दिए हैं। तो यार ये था मेरा आज बर्थडे, ऐसे ऐसे हमने मनाया। सो अगर सारा गिन के बताऊँ तो यार आज फन था, मतलब मज़ा आया मुझे, ठीक है। तब हम जा रहे हैं घर। तो होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है, तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। और ये था मेरा बर्थडे व्लॉग, तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं करते हैं एंड। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।